तो बच्चों कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो मैं यूनुस आप सभी का वेलकम करता हूं अपने रैंकर्स मेहता चैनल पे। तो देखो अपन एक सीरीज चला चुके हैं जहां पर अपन क्वेश्चन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सीरीज के अंदर अपन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक फॉर्मूला सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है जहाँ पर अपन चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को अपन डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर आपके जो न्यूमेरिकल्स है न्यूमेरिकल को जहाँ पर आप इजीली सॉल्व कर सको। तो सभी फॉर्मूले अपन एक अलग सीरीज में चल रहे हैं। अगर उन लेक्चर्स को आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बेल आइकन पर आपको यहाँ पर लिंक मिल रहा होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करो और उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। या फिर क्वेश्चन सीरीज की बात करें तो क्वेश्चन सीरीज के लिए भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हो। इन वीडियोज़ के अगर आपको PDF वगैरह चाहिए, अगर आप लिंक पहले ही चाहते हो जैसे अपलोड होते हैं, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो चैनल का लिंक दे रखा है वहाँ पर आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके चलिए, तो देखो बच्चों आज जो अपन जो चैप्टर है चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का आज लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में इसका पहले अपलोड कर चुका हूँ। ओके तो पार्ट फर्स्ट के अंदर जो अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने डिस्कस किए थे वो 25 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर चुके थे अपन। नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, और 26 से लेकर 54 तक क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके चलिए, तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या जा रहा है कि हमारे पास में एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटी एक्स वाई जेड एन टी इज कैलकुलेटेड। अब आपके लिए इक्वेशन दे रखी है, अब परसेंटेज आ रहा है आपको दे रखी है एक्स वाई जेड में, एक्स में 1%, जेड में वाई में 3% और जेड में 2%, तो टी में एरर निकालने। देखो ये पावर्स में आ गई है, और जब भी पावर्स में आती है तो एरर जो होती है हम कैसे फाइंड करते हैं, तो पावर को हम आगे लिखते हैं और उसमें रिलेटिव एरर फाइंड कर लेते हैं। यानी अगर मुझे टी में अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल्टा टी अपॉन में टी, और इसको अपन इक्वल लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स तो पहले एक बार लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 आगे आएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस 3 आगे आएगा डेल्टा जेड अपॉन में जेड। ओके यहाँ पर अगर जेड ऊपर जाने के बाद नेगेटिव होता है तब भी अपन को ध्यान रखना साइन यहाँ पर पॉजिटिव ही यूज़ करना है। तो अब सिंपली है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जगह अपन रख देंगे 1% प्लस 2 डेल्टा वाई अपॉन वाई की जगह अपन लिखेंगे 3%, और फर्दर प्लस 3 और डेल्टा जेड अपॉन जेड की जगह अपन लिखेंगे 2% एज गिवन इन द क्वेश्चन। इसको अपन सोल्व करेंगे 3 2 6, 6 और 6 8 और 7, तो इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर 7 आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ ए होलो सिलेंडर आर मेजर टू बी, ये एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है, ये इंटरनल डायमीटर दे रखा है। अब हमको क्या करना है कि इसकी वॉल की थिकनेस निकालनी है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि पहले आप थिकनेस निकाल दो। देखो डायग्राम से समझने की कोशिश करना कि भी ये कोई वॉल है, कोई होलो सिलेंडर है। अब देखो इसकी आउटर डायमीटर हमको गिवन है, तो आउटर डायमीटर मतलब ये आउटर डायमीटर हो गई। इनर डायमीटर भी हमको गिवन है, मान लिया कि ये जो इनर डायमीटर है ये इनर डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके दोनों हमको गिवन है, तो अब हमको क्या करनी है थिकनेस निकालने। या तो अपन यह करें कि पहले टोटल में से इसको माइनस करें तो कितनी थिकनेस आ जाएगी, ये वाली थिकनेस आएगी दोनों साइड से। फिर देखो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ करके तो अपन फाइंड करेंगे। अगर अपन देखो ये मान लीजिए ये सेंटर है, तो आप यहाँ क्या करो फिर पहले पूरी आउटर रेडियस निकालो, फिर इसमें से इस इनर रेडियस को माइनस करो तो उससे कर लोगे, या फिर टोटल में से पहले टोटल निकाल लो फिर उसमें 2 का डिवाइड कर दो जैसा आपको लगता है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। तो पहले अपन यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेंगे, ऐसा करते हैं पहले एक बार अपन इनके डिफरेंस निकाल देते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं डायमीटर का डिफरेंस, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देते हो रेडियस का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो एक तरफ हमारे पास में ये वैल्यू है, एक तरफ हमारे पास में ये वैल्यू है, ये आउटर है ये इनर है, तो हम क्या करेंगे आउटर माइनस इनर करेंगे। तो जब आउटर माइनस इनर करेंगे यानी कि 4.23 में से हम माइनस करेंगे 3.89, इसको तो माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 11 में से एट गए तो 3, और 3 में से 3 गए 0, तो 0.34 ये ट्रू वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे को अपन क्या करनी है एरर को भी सोल्व करना है। तो देखो ध्यान रखो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, जो एरर होगी वो एरर हमेशा क्या होगी ऐड होगी। ऐड के केस में क्या होगा, हम 0.01 और 0.01 को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा प्लस माइनस 0.02, तो फाइनली जो डिफरेंस आ रहा ना वो 0.34 प्लस माइनस 0.02। याद रखिए ये डायमीटर का डिफरेंस है, अब हमको क्या करना है रेडियस का डिफरेंस निकालना है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.17 प्लस माइनस 0.01 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इट मीन्स जो करेक्ट आंसर आएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। द मास ऑफ द बॉल इज ये गिवन है,
और द मास ऑफ 25 सच बॉल इज दे रखा है, तो हमको क्या निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करना। देखो देखो ऐसे तो इस क्वेश्चन को देखते हो जाना चाहिए। देखो आप क्या कर रहे हो कि 1.76 ऐसे 25 बॉल्स है, सबका मास निकालना है, तो आप क्या कर रहे होंगे 25 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, या फिर ये कह सकते हो कि 1.76 प्लस 1.76 प्लस 1.76 इस तरीके से कर रहे होंगे। तो अब देखो होगा क्या कि जब आप इन 1.76 को आप जब ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद में जो फाइनल जो हमारे पास में जो आंसर आएगा भाई, फाइनल जो हमारे पास में आंसर आएगा, उस आंसर के अंदर अब क्या होना चाहिए कि डेसिमल के बाद में, भाई डेसिमल के बाद में हमारे पास में, क्योंकि देखो अपन ऐड ही कर रहे हैं ना, द मास अपन को क्या कर रखा है कि एक बॉल का मास दे रखा है ऐसे 25 सच बॉल है, तो 25 बॉल्स को आप जब उसको ऐड करोगे, तो ऐड करने पर जो हमारे पास में जो फाइनल जो आंसर आना चाहिए, उस फाइनल आंसर के अंदर अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि जो आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। भाई हमारा रूल्स क्या था कि जब भी आप टू और मोर देन टू वैल्यूज का जब आप ऐड कर रहे होते हो, तो उसका रूल ये कहता है कि आफ्टर डेसिमल मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट हमको देखना था, डेसिमल के बाद में मिनिमम डिजिट कितनी है, तो यहाँ पे मिनिमम डिजिट कितनी आ रही है, टू आ रही है आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पे हमारे आंसर में भी कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए, तो टू किस में, इसमें, तो इट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन जी कैलकुलेटेड फ्रॉम, ये फॉर्मूला दे रखा टी का, जिसमें फ्रैक्शनल एरर टी में और एल में फ्रैक्शनल एरर दे रखी प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू। तो अब हमको जी में एरर निकालना, तो पहले क्या करेंगे इसका जी के फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप क्या करो इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एक तरफ स्क्वायर किया टी स्क्वायर, दूसरी तरफ करोगे तो 4 पाई स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो एल अपॉन जी, तो यहाँ से जी का फॉर्मूला बन के आएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में टी स्क्वायर। इसमें तो कुछ एरर होगी नहीं, कॉन्स्टेंट है, तो अब एल और टी स्क्वायर में एरर निकालनी है, तो रिलेटिव एरर की टर्म में निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकालनी है, तो इट मीन्स डेल्टा जी अपॉन जी बन के क्या आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन में एल, और प्लस ये टू है, टू को आप आगे लेकर आओगे पावर को आगे लाओगे, तो डेल्टा टी अपॉन डी, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, प्लस माइनस टू है, प्लस टू और डेल्टा टी में एरर दे रखी प्लस माइनस टू, तो इसको सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 6, तो यहाँ पर हमारे पास में प्लस माइनस आंसर 6 आ जाएगा, ये 6 आंसर है। ओके चलिए, ए थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल मीटर इंक्रीजेस इन लेंथ बाय 2%। देखो जब आप उसको 10 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म करते हो, तो जो कॉपर वायर की जो लेंथ होती है वो 2% के साथ इंक्रीज होती है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया व्हेन स्क्वायर कॉपर शीट ऑफ लेंथ एल मीटर इज हीटेड 10 डिग्री सेल्सियस। अगर आप स्क्वायर शीट को अगर आप हीट करते हो, तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, ये हमको बताना है। तो देखो अगर स्क्वायर शीट है, तो अगर लेंथ अगर एल और लेंथ सेम रहेगी, तो इस केस में इसका जो एरिया होगा वो एल स्क्वायर बन के आएगा। अब एल स्क्वायर में अगर अपन ए में अगर अपन को एरर निकालनी, तो डेल्टा ए अपॉन ए इस तरफ क्या होगी, पावर आगे आएगी, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। अब डेल्टा एल अपॉन एल अपन क्वेश्चन में गिवन है 2% है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा 4%। नेक्स्ट देखो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हमको गिवन है, ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है, रेस्पेक्ट द एवरेज एब्सोल्यूट एरर। देखो एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो देखो एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले अपन क्या करते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा मीन वैल्यू निकालना, मीन वैल्यू मतलब हुआ कि सबको ऐड करना, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिवाइड करना, तो 2.63 इनको ऐड करोगे, देखो 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 2 11, 11 और 1 12 और 12 2, और फिर 1 कैरी करेंगे 1 6 1 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, और 23 8 31, 31 का 1 और रिमेनिंग 3, और 3 को मैं यहाँ लिखा, 3 2 जा 6, मतलब सॉरी 3 2 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, इट मीन्स ये 13.12 आएगा। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करो, तो 5 2 जा 10 और रिमेनिंग 3, 5 से जा 30 और 5 2 जा 20 है ना, मतलब 5 2 जा 10 और रिमेनिंग 2 2 में नहीं जाएगा, तो 5 मतलब 2 4 जा 5 4 जा 20 आएगा, तो 6.2.624 आएगा ना, 624 आएगा, तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 2.62 ही बनेगा। तो ये हमारे पास में मीन वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर देखो, हर एक वैल्यू में, हर एक मेजरमेंट में हमको क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। पहली वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो मेन वैल्यू है और उसमें जो इंडिविजुअल वैल्यू है, उसका क्या करो, डिफरेंस लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, मतलब सिर्फ डिफरेंस देखना है, 2.63 का 2.62 के साथ डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस कितना आएगा, तो वो डिफरेंस आएगा हमारे पास में तो 0.01 का डिफरेंस आएगा, फिर
फिर 2.56 और 2.662 का डिफरेंस देखो, तो ये आएगा हमारे पास में 0.06 का डिफरेंस आएगा। उसके बाद में 2.42, 2.642, तो ये 0.20 का आएगा। और 71 में आएगा ये 62 और 71, यानी 0.09 आएगा। और इसके अलावा हम बात करें 80, 80 में आ रहा है 62 और 80, यानी कि 18 का जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, देखो ये इंडिविजुअल एरर आ गई, एब्सोल्यूट एरर रही है। डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए फोर, डेल्टा ए फाइव आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर रही, अब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका ये हुआ कि आप क्या करो, इन सभी को ऐड करो और नंबरों जो ऐसे का डिवाइड कर दो। तो सभी को ऐड करेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24 का 4, रिमेनिंग 2, 2 2 4 एंड 5, 0.5, 0.54, ये हमारे पास है। तो ये टोटल आ गया, तो 0.54 टोटल आया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, 5 है, 5 से डिवाइड करो, तो ये 0.5 बन जाए 5, 4 मिल जाएगा 0, यानी कि हम 0 और 5 एट जा 40, 5 एट जा 40, तो इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो ये बन के आएगा 0.11 बन के आएगा। तो इट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। रेजिस्टेंस हमको गिवन आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी आपको दे रखा है 100 प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस 5 वोल्ट है, एंड आई आपको दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। व्हाट इज द टोटल एरर इन आर, आर में एरर बतानी है और वो भी परसेंटेज के टर्म में बतानी है। तो देखो इसको अपन कैसे निकालेंगे, तो आर का सिंपल फॉर्मूला दे रखा है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर इसमें अपन रिलेटिव एरर निकालनी है तो अपन कैसे करते हैं, परसेंटेज एरर निकालने कैसे करते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, और परसेंटेज एरर पूछा है तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब देखो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, क्वेश्चन में देखेंगे डेल्टा वी की वैल्यू दे रखी है 5, तो अपन क्या करेंगे 5 अपॉन में 100 प्लस माइनस डेल्टा आई की वैल्यू दे रखी है 0.2 अपॉन में कितना दे रखा है 10, ये 10, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। ओके इसको सोल्व करना है, ये 0 डेसिमल आए तो 0 आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पर ना प्लस आएगा। ओके तो 100 100 100 कैंसिल हो, तो 5 प्लस 2 कितना जाएगा 7%, तो 7% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो हमको क्या दे रखा है, लेंथ लेंथ ब्रेथ थिकनेस और ऑफ ए स्ट्रिप दे रखी है हमको सारी वैल्यू। अच्छा यहाँ पर बीच में प्लस माइनस है ना, इन सब के बीच में प्लस में प्लस माइनस आएगा, तो ये वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर, द मोस्ट प्रोबेबल एरर इन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो देखो वॉल्यूम में आपको एरर निकालनी है, तो देखो वॉल्यूम में एरर कैसे निकालोगे, तो देखो वॉल्यूम का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला होता है। अगर मुझे इसमें एरर निकालने तो मैं कैसे करूँगा, डेल्टा वी अपॉन में वी इज इक्वल टू एल डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस डेल्टा एच अपॉन। देखो जब भी मल्टीप्लाई में आता था अपन फ्रैक्शनल एरर के टर्म में निकालते हैं, डेल्टा वी। अब देखो वी क्या है, वॉल्यूम मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो हमारे पास में एल की बी की और एच की जो मीन वैल्यू उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एल की मीन वैल्यू कितनी है, 10 है, और बी की मीन वैल्यू 1 है, और इसकी मीन वैल्यू कितनी है, 0.100 है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वी निकाल लो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अलग से मैं वी निकालता हूँ, तो वी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो वी इक्वल टू दे रखा है देखो 0.10 को, 1 को और 0.100 को मल्टीप्लाई करना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो डेसिमल हटाओगे, अच्छा पीछे वाले 0 नहीं भी लिखो तो भी अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं। तो डेसिमल हटाए तो अपन में 10, तो 10 से 10 कैंसिल आ गया, यानी वी की जो वैल्यू आ रही है वो 1 बन के आ रही है, इसी का ध्यान रखना। अब डेल्टा वी इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, देखो डेल्टा एल अपॉन एल कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एल 0.1 अपॉन 10, तो 0.1 अपॉन 10 प्लस डेल्टा बी अपन निकालेंगे 0.01 अपॉन में 1, तो 0.01 अपॉन में 1 प्लस डेल्टा एच कितना हो जाएगा 0.001, 0.001 और अपॉन में कितना आ जाएगा 0.1। अब वी को आप इधर लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से 1 से मल्टीप्लाई कर देना। अब सिंपली इसको सोल्व करना, देखो सोल्व कैसे करोगे, डेसिमल हटाया 0, डेसिमल हटाया तो 00, ये डेसिमल हटाया तो इसको हटाकर अपॉन में 100 आ जाएगा। अब हमको परसेंटेज एरर में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 100 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, इट मीन्स 3% बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, परसेंटेज एरर में नहीं है, परसेंटेज एरर नहीं है, सिंपली है ना, परसेंटेज एरर नहीं है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन ना, तो नीचे ऊपर वाले को ऐड कर दो 3 और नीचे एलसीएम आएगा 100, तो इसको सोल्व करोगे तो 0.03 बन के आएगा। परसेंटेज एरर में पूछता तो अपन 3% बोल देते हैं। नेक्स्ट देखो,
इफ एरर इन मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 4%, द एरर इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वुड बी। देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब मुझे r में एरर कितनी होगी, तो अगर जो देखो r में, r को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो r को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2π d अपॉन में 2 लिख सकता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको एरर निकालनी, तो पाई में तो कोई एरर रहेगी नहीं, जो डी में एरर रहेगी, तो डेल्टा डी अपॉन में डी। तो इसका मतलब जो परसेंट, देखो जो एरर डेल्टा डी में आएगी ना, मतलब जो एरर डायमीटर में आएगी ना, वो एरर सर्कमफ्रेंस में आएगी। ओके, तो डायमीटर में एरर अगर कितनी आ रही है ना, तो डेल्टा सी अपॉन सी जो होगा डेल्टा डी अपॉन डी के होगा। तो डायमीटर में एरर 4% है, तो सर्कमफ्रेंस में भी 4% होगी। परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर दे रखा 2%। देखो रेडियस में एरर 2% है, मास में एरर 1% है, सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, तो कह रहा है कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होगा। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का भी निकालो, उसमें एक चीज जरूर कॉमन आएगी, वो आएगी एम आर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में आएगा आएगा ना। तो अब एम आर स्क्वायर के हिसाब से एरर निकाल दो, तो डेल्टा आई अपॉन में आई इक्वल टू क्या जाएगा, मास में एरर डेल्टा एम अपॉन में एम, और रेडियस में एरर क्या हो जाएगी, 2 डेल्टा r अपॉन में r। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो मास में एरर कितनी दे रखी है हमको, तो मास में एरर गिवन है हमको बाद वाली वैल्यू मास की, यानी 1% गिवन है, तो डेल्टा एम अबाउट एम की जगह 1% प्लस 2 डेल्टा r की जगह अपन 2 लिखेंगे, 2%। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना जाएगा, 5% आंसर आ जाएगा। सॉरी एक मिनट, गलत पर टिक कर दिया, 5% जो आएगा हमारा इस वाले में 5%। नेक्स्ट देखो, द हीट जनरेटेड इन ए सर्किट डिपेंडेंट अपॉन द रेजिस्टेंस करंट टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोन, द एरर इन द मेजरिंग अबाउट द आर इज 1%, 2%, 1% ना, यानी कि रेजिस्टेंस में 1%, करंट में 2% और टाइम में 1%, द मैक्सिमम एरर इन मेजरिंग हीट विल बी। तो हीट में कितनी एरर आएगी, तो देखो यहाँ से अपन ना एक फॉर्मूला याद रखना, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका फॉर्मूला था एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो जो करंट में जो एरर आएगी वो डेल्टा, मतलब 2 डेल्टा i अपॉन में i और डेल्टा आर अपॉन में आर और प्लस डेल्टा टी अपॉन में टी, ये आ जाएगा हमारे पास में। अब करंट में एरर कितनी दे रखी है, तो करंट ना है सेकेंड नंबर पर, तो सेकेंड नंबर पर 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4% प्लस डेल्टा आर यानी कि डेल्टा रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट वैल्यू रेजिस्टेंस की 1%, और टी में एरर कितनी, 1% अगेन, तो 1%, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 इट मीन्स कितना जाएगा, 6% करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2%, 3% रेस्पेक्टिवली, हाउ मच विल मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन मेजरिंग मास एंड स्पीड। देखो काइनेटिक एनर्जी में एरर निकालनी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम बी स्क्वायर, इसमें कोई एरर नहीं होगी। मास में एरर कितनी आएगी, डेल्टा एम अपॉन में एम, और वेलोसिटी में क्या आएगी, 2 डेल्टा v अपॉन v। तो वैल्यू पुट करनी है, तो मास में एरर कितनी दे रखी है, तो 2% दे रखी है, इसको 2 को प्लेस करो, और 2 डेल्टा v यानी कि वेलोसिटी में एरर दे रखी है 3%, तो मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 2 6 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 8% आएगा। देखो व्हाइल मेजरिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय ए सिंपल पेंडुलम, ए स्टूडेंट मेक्स ए पॉजिटिव एरर 1%, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड नेगेटिव एरर ऑफ 3%, द वैल्यू इन द टाइम पीरियड हिज परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू जी विल बी। देखो लेंथ दे रखा है, पेंडुलम का टाइम पीरियड दे रखा है, जी में एरर निकालने, देखो इसका फॉर्मूला होता है बहुत ईजी, याद रखना कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2π√l/g फॉर्मूला होता है। अगर मुझे जी में एरर निकालनी है, तो जी में एरर मैं कैसे निकालूंगा, तो ये वो स्क्वायर करेंगे अपन, ये एल अपॉन में टी स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें जी में एरर निकालनी है, तो डेल्टा एल अपॉन में एल बनेगा और प्लस क्या जाएगा, डेल्टा टी अपॉन में टी। ओके, तो ऐसा 2 भी मल्टीप्लाई में, तो इसको सिंपली सोल्व कर लेना, तो डेल्टा एल में कितनी एरर आएगी, तो डेल्टा एल है ना क्वेश्चन में मेंशन है, डेल्टा लेंथ में कितनी एरर है, तो लेंथ में हमारे पास में लेंथ में 1% है, तो यहाँ पर 1% लिखेंगे, और टाइम में एरर दे रखी है 3%, तो 3 में ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 7%, तो 7% करेक्ट आंसर जाएगा। ओके ठीक है, चल नेक्स्ट देखो, देखो एरर हमको हमेशा पॉजिटिव लेनी है ना, यहाँ पर नेगेटिव को लेकर कंफ्यूज होना, ऐसे नहीं कि नेगेटिव आ गया तो तुम क्या कर दो, उसको माइनस कर दो, माइनस नहीं करना, हमको प्लस ही में ही लेकर चलना है, याद रखना। अपन हमेशा कोशिश करते हैं मैक्सिमम एरर निकालने की, जहाँ पर साइन प्लस का लेकर चलते हैं। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस में एरर दे रखी है, स्फीयर के रेडियस में 2% है, द एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरर निकालनी है, तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है,
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू, स्पेयर का फॉर्मूला है ना 4π3 πr³ होता है। स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4π πr³। इसमें तो कोई एरर होगी नहीं, तो इसमें एरर आएगी तो कितनी 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर आ जाएगा। डेल्टा आर अपॉन आर कितना दे रखा 2%, तो 3 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखोगे ना तो 2 3 6 हो जाएगा। ए स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवर्स इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली रेस्ट। कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है रेस से, तो फ्रीली फॉल हो रही है रेस से, तो ये ग्राउंड है, ये रेस से फ्री फॉल हो रही है, यानी यू इक्वल टू 0 हो गया। इन ए गिवन टाइम, टाइम उनको दे रखा टी, ही यूज दिस डाटा टू एस्टिमेट जी, जी की वैल्यू वो निकालना चाहता है। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम आर ई1 ई2, मतलब कि जो डिस्टेंस में जो एरर दे रखी है ना मैक्सिमम, वो कितनी दे रखी है ई1 दे रखी है, और सिमिलरली इसके अलावा जो एरर है टाइम में, एरर जो टाइम में जो एरर दे रखी हो कितनी, टी में जो एरर दे रखी हो कितनी दे रखी है ई2 दे रखी है, टाइम में ई2 दे रखी है, एस में ई1 दे रखी है। अब हमें ये फाइंड करना है कि बताओ परसेंटेज एरर बतानी है जी के अंदर, तो जी में परसेंटेज है, तो पहले फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, फॉर्मूला कौन सा बनेगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की, एक्सेलेरेशन की भी बात कर रहा है, टाइम की भी बात कर रहा है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला, कौन सी इक्वेशन बनाते हैं, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस ½ at²। देखो एस में एरर दे रखी है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यूटी इनिशियल वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। हमको एरर निकालनी ए में, ए मतलब कि जी, जी में एरर निकालनी है, तो देखो जी में एरर कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास में एस अपॉन में, देखो 2s अपॉन में t² ये फॉर्मूला बनेगा इक्वल टू जी, है ना। यहाँ पे देखो एक तरफ एस है एक तरफ ये है, तो जी निकालना t² अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो अब जी में एरर निकालने दो, 2 तो कॉन्स्टेंट, एरर कैसे आएगी, डेल्टा एस अपॉन में एस प्लस 2 डेल्टा t अपॉन t, यही तो होगा ना, और डेल्टा जी अपॉन जी, तो डेल्टा एस अपॉन एस की वैल्यू हमको गिवन है, यानी डिस्टेंस में एरर कितनी दे रखी है ई1, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा, तो डेल्टा एस अपॉन एस की जगह मैं लिखूंगा ई1, यहाँ पर लिखा ई1 +2 डेल्टा t अपॉन t की जगह लिख दूंगा मैं, कितना गिवन है ई2 गिवन है, तो ई2, तो ई1 +2 ई2 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है क्या, देखो इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और भी आसान क्वेश्चन है, तो कि इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आपको दे रखी है, सब में एरर दे रखी है 1%, 2%, 3%, 4%, तो पी में अपन को एरर निकालनी है, पी की इक्वेशन दे रखी है a³ b² विजिबल था ना, a³ b² c d, तो इसको कैसे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसको, ना तो अगेन वो पी में एरर निकालनी है, तो डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a³ में एरर कितनी आएगी 3 डेल्टा a अपॉन a, प्लस b² में एरर कितनी आएगी 2 डेल्टा b अपॉन b, सी में एरर डेल्टा c अपॉन c, डी में एरर डेल्टा d अपॉन d, ऐसे निकालेंगे। तो अब डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू हमको गिवन है 1%, तो 3 1 जा 3, 3% हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी में एरर दे रखी है, डेल्टा बी में 2%, तो 2 2 जा 4% हो जाएगा, 2 यहाँ पे है ना, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी 3, तो 3 ऐड कर दो, डेल्टा डी अपॉन डी 4, तो 4 ऐड कर दो, यानी 3 + 4 + 3 + 4, यानी 4 4 8 3 11 3 14, इसका मतलब 14 आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑल द गिवन नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है, तो देखो इसमें सब काउंट होंगे, सारे सारे नॉन, मतलब नॉन जीरो डिजिट है ना, ये देखो ना 2 5 1 1 2 चारों काउंट होंगे, यानी 4 हो जाएगा, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4, इट मीन्स 4 4 4, यानी 1 आंसर आएगा। द एज ऑफ ए क्यूब दे रखा, एज दे रखा, देन इट्स वॉल्यूम विल बी रिकॉर्डेड, देखो वॉल्यूम निकालना, देखो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब होता है, इट मीन्स l × l × l, यानी कि तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या करते हैं, हमारे पास में जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1.2 × 10⁻²² दे रखी है, ओके। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो रूल होता है वो क्या कहता है, कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट किसी इंडिविजुअल वैल्यू में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वही हमारे आंसर नंबर होना चाहिए, जितने मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतने हमारे आंसर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी, 1.2 को अपन काउंट करेंगे, 10⁻²² को तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो 1.2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो इसके अंदर 2 है, तो इट मीन्स हमारे जो आंसर होगा उसमें भी 2 आना चाहिए, तो आप कुछ उनका डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें कितने 3 है, इसमें 4 है,
इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो ये आंसर होगा। तो हमारे फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, तो इसी में इसको माइनस, इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे ना, ध्यान रखना, इसको डिसेबल, इसको सिग्निफिकेंट डिजिट में हम कंसिडर नहीं करते हैं। ए वायर है जो मास मास दे रखा, वायर का रेडियस भी दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है, डेंसिटी में एरर निकालनी। देखो डेंसिटी में एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वायर है तो वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऊपर तो आ जाएगा एम, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकालेंगे अपन इसका वायर का ना, तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में लेंथ एल लेंगे, ये हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, फ्रैक्शन में लिखेंगे अपन एरर, परसेंटेज एरर पूछा है तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन में आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, इसको सोल्व करना। डेल्टा एम कितना देगा, 0.003, तो 0.003 अपॉन में एम कितना दे रखा है, 0.3 प्लस 2 इंटू में डेल्टा आर कितना गिवन है, 0.005 अपॉन में आएगा 0.5 प्लस, और इसमें लेंथ में दे रखा है 0.06 अपॉन में आएगा 6, इसको सोल्व करना। परसेंटेज एरर निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हटाओगे तो इसको हटाओगे तो नीचे 20 आएगा, इसको हटाओगे तो इसको हटाओगे नीचे 20, इसको हटाओगे तो नीचे 20, 20 20 20 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे कॉमन लेके। तो अब इसको सोल्व करना, देखो 3 3 कैंसिल आउट, 5 5 कैंसिल आउट, 6 6 कैंसिल आउट, तो ऊपर बच रहा है यहाँ पर 1, देखो क्या बच रहा है, यहाँ पर 1 बचा क्योंकि सब कुछ कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 तो बच ही रहा है, इधर 5 5 कैंसिल आउट 1, तो 2 1 जा 2, तो 2 बचेगा ऊपर, यहाँ 1 1 1 1 ही बचेगा यहाँ पर, तो इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 1 इट मीन्स 4% आंसर आएगा। वेन ए कॉपर स्पेयर इज हीटेड मैक्सिमम परसेंटेज चेंज विल बी ऑब्जर्व। स्पेयर में देखो मैक्सिमम एरर किस में आएगी, देखो रेडियस की बात करोगे देखो रेडियस में तो एरर कितनी आती है, अगर देखो स्पेयर एरर, अगर सिर्फ रेडियस में एरर की बात करेंगे तो डेल्टा आर अपॉन आर होगा, एरिया में बात करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें एरर निकालो क्या आएगा, डेल्टा 2 डेल्टा आर अपॉन आर, देखो 4 पाई में तो कोई एरर होगी नहीं, तो आर स्क्वायर में एरर निकालोगे 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है डेल्टा आर अपॉन आर, वॉल्यूम में निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो अगेन इसमें तो कोई एरर होगी नहीं, इसको सोल्व करोगे तो 3 डेल्टा आर अपॉन में आर, तो सबसे ज़्यादा किस में आ रही है, वॉल्यूम में आ रही है। फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो स्टार्टिंग 0 हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ओनली 7 काउंट होगा, इट मीन्स 1 आंसर आ जाएगा। पावर को हम काउंट नहीं करते तो 2 पॉइंट सारे नॉन जीरो डिजिट सबको काउंट करेंगे, इसमें 3 हो जाएगा। आगे वाले 0 को काउंट नहीं करते हैं, बीच में डेसिमल आ गया, लास्ट में 0 आ गया काउंट होगा, तो इट मीन्स 4 हो जाएंगे। डेसिमल आ गया लास्ट में 0 आ गया काउंट होगा, तो 4 डिजिट हो जाएंगे। 0 बीच में आ रहा है तो 4 काउंट होंगे, आगे वाले 0 काउंट नहीं होंगे, ट्रेलिंग 0 काउंट नहीं होंगे, तो लास्ट के 4 डिजिट काउंट हो जाएगी, सॉरी लीडिंग 0 है ना, लीडिंग 0 काउंट नहीं होंगे यहाँ पर, तो 4 डिजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी दे रखी, देखो मास लेंथ और टाइम में आपको डायमेंशन दे रखे, सब में एरर दे रखी है, मास में 2%, एल में 3% और टी में 4% दे रखे हैं, तो परसेंटेज एरर निकालनी फिजिकल में। तो देखो मास में पावर -1 है, पावर को अपन आगे लिखते हैं, अब माइनस हो हम हमेशा प्लस में लेकर चलते, इस बात का ध्यान रखना ही है अपन को। तो मास में एरर कितनी जाएगी, डेल्टा एम अपॉन एम, लेंथ में कितनी होगी, पावर आगे आएगी तो 3 डेल्टा एल अपॉन एल, 2 आगे आ जाएगा तो 2 आगे आया तो डेल्टा टी अपॉन टी, तो वैल्यू सबकी दे रखी है, डेल्टा एम अपॉन एम कितना दे रखा 2, डेल्टा एल अपॉन एल कितना दे रखा 3, और 3 में 3 को और मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, और 2 डेल्टा टी में कितना दे रखा 4%, तो 4 को 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 8 2 9, मतलब 8 2 10 9 14। इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 2.1 और विड दे रखी 1.6, को एरिया निकालना, तो एरिया निकालने का अपन क्या करते हैं, एल इंटू बी करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं 2 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने 3 है, तो हमारे फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल ये कहता है कि आफ्टर डेसिमल मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, उसको उसको कंसिडर करते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट में क्या करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करते हैं, तो 2 है, तो अब हमारे आंसर में देखो 2 किस में, इसमें तो 4 है ये नहीं होगा, सेकेंड में 2 है ये हो जाएगा, थर्ड में फर्स्ट ये नहीं होगा, इसमें 3 ये भी नहीं होगा, तो इनमें सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में फाइनली 52 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है।
तो ये हुआ बच्चों फाइनली जो यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है वो चैप्टर हमने टू लेक्चर्स के अंदर इसको कवर किया। इसके अलावा ग्रेविटेशन भी हमने कवर कर चुके हैं, उसमें अपन ने फोर लेक्चर में कवर किया। तो अब ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको हर चैप्टर के ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ जो फॉर्मूला सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इस चैप्टर को स्टार्ट करो, उससे पहले क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, उससे पहले उस चैप्टर की फॉर्मूला पढ़ लिया करो जो मैं अलग से डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई टॉपिक नहीं समझ आया हो, कोई कैलकुलेशन लग रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।